हरामी तूने गेम क्यों स्टार्ट कर दिया, रुक अभी मैं निकल जाती हूँ। अरे नहीं 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 मैडम जी प्लीज अब निकल मत जाना मैडम जी, मेरे साथ कोई नहीं खेलता इसलिए मैंने झूठ बोल के आपके साथ आया। अरे मैडम जी देखो कौन आया है, आप प्रो एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स हो मैडम जी। अरे तुम कहाँ हो, मेरे सामने ब्लू क्रिमिनल होता था, जल्दी मेरे को कवर दो, मुझे गन नहीं मिला है। अरे मैडम जी मैं यहाँ से आपको कवर देता हूँ। अबे तू कहाँ है, देख मेरे को ब्लू क्रिमिनल ने नॉक कर दिया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर, सामने बंदा है, आप डरो नहीं मैडम जी, मैं जान दे के भी आपका प्लस करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, मेरे ऊपर भरोसा रखो ना मैडम जी। मैडम जी देखो, अरे भाई साहब ब्लू जोकर भाई, मैडम ये क्या है, मैडम जी मैं आपको बचाऊंगा टेंशन मत लो। अरे मैंने तुमको मना किया है ना फाइट करने से, फिर तुम क्यों बार-बार तो जाके फाइट कर रहे हो। मैडम जी मैंने उसको सुला दिया, देखो आपका मौत का बदला ले लिया मैंने। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। सामने बंदे हैं, तुम जल्दी आओ, तुम मेरे साथ साथ क्यों नहीं रहते हो। मैडम जी बस डुओ में ही नहीं, मैं आपके साथ जिंदगी भर तक निभाऊंगा, अपने पिछवाड़े पे गोली खा के हर एक एनिमी से आपको बचाऊंगा। अच्छा नल्ले मेरे मैडम जी को पीछे से मारता है, तू कहाँ है, तू डर के मारे छुप गया क्या नल्ले। अरे नहीं नहीं वो अच्छा बंदा है, घर के पीछे से छिप के मार रहा है। अच्छा कहाँ है तू मुन्ना, अरे बाप रे पीछे से मारता है तू। कैसे मारा तुमने, मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए रखे हैं मैडम। अरे जल्दी आओ, एसिड में मेरे पास बंदे हैं। अरे मैडम जी आप डरती क्यों हो, मेरे रहते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता। अरे एक गोली का है, जल्दी आओ पर इसको मारो मारो मारो। कहाँ है नल्ले, नल्ले नल्ले नल्ले। देखो कैसे मार रहे मैडम जी, आपका नंबर मिलेगा क्या, रोज सुबह को मैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग भेजूंगा और साथ में चाय बिस्किट का फोटो भी। औकात में रहो। अरे मैडम जी फिकर नोट टेंशन नोट, कलवा इज हियर डोंट फियर मैडम जी, आपको अभी हम बचाएंगे मैडम जी, टेंशन नोट। Hey guys, welcome back to another videos. तो guys तुम्हारा मामू आज करेगा धोती फार के रुमाल, क्योंकि आज तुम्हारा मामू है फुल मूड में। तो guys तुम्हारा मामू तुम लोग को हंसाने के लिए लड़कियों को कर रहा था इंतजार, कहाँ पे, ऑल चैट में। रैंडम पे तो अभी मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ऑल चैट पे ही सारा दिन मन पड़ा रहता हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए, लड़की के ग्रुप में जाने के लिए। तो guys क्या हुआ कि मैंने देखा कि ऑल चैट में एक लड़की ने रिक्वेस्ट सेंड किया और वहाँ पे तुम्हारा मामू ने एकदम हीरो वाला एंटी मारा, क्योंकि देखा वहाँ पे एक निशा नाम के लड़की ने रिक्वेस्ट सेंड किया और सीधा घुस गया उसके ग्रुप में, और आगे क्या घटना घटी खुद देखो। ये कौन है, कौन है ये बटला? अपुन छोटा डॉन। हेलो भाई लोग, अपुन कलवा, नाम तो सुना ही होगा, क्या बोलते बिडू लोग, चलते एक गेम खेलते हैं मामू, ये लड़की है क्या बिडू? हेलो मैडम जी लड़की हो क्या? नहीं। पहली फुर्सत में निकल, गजब बेइज्जती है। ओ भाई साहब गजब बेइज्जती, भाई साहब रिमूव कर दिया मेरे को ग्रुप से ही भाई साहब। तो गाइस कोई बात नहीं, तुम्हारा मामू को चाहे किक कर दे या फिर गाली दे कोई बात नहीं, तुम्हारा मामू तुम लोगों के लिए सब सह लेगा, क्योंकि तुम लोगों को हंसाने के लिए तुम्हारा मामू कुछ भी कर सकता है। तो गाइस तुम्हारा मामू फिर से क्या किया, फिर से लड़की के लिए वेट करने लगा ऑल चैट में, मतलब जब तक लड़की ऑल चैट में रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा तुम्हारा मामू हटेगा नहीं। और फिर गाइस एक लड़की ने ऑल चैट में रिक्वेस्ट सेंड किया, वो भी राजकुमारी के नाम से, और तुम्हारा कलवा मामू घुस गया उसके ग्रुप में। ओ भाई साहब नाम राजकुमारी है और दिखने में डायन जैसी, भाई साहब मेरे को तो डर लग रहा है। हेलो हेलो भाई, हेलो लड़का या लड़की भाई, जल्दी माइक ऑन कर मिलू। हेलो हेलो डायन भाई, तू डायन थे पूरा फैमिली डायन, मुंह संभाल के बात कर लूं बड़े। अरे मैडम जी लड़की हो क्या, अरे भाई साहब चकाचक, मैडम जी मैंने आपको डायन नहीं बोला, मैडम जी आपका नाम देखा ना तो आपका ड्रेस देख के डायन बोला, मैडम जी आपका वॉइस तो क्या ही सुंदर लाजवाब बेमिसाल है, एकदम पूरा आलिया भट्ट और श्रेया घोषाल जैसा। तू कहां से आया ग्रुप में? मैडम जी आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको एक ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ मैडम जी, एक ग्लिच चल रहा है फ्री फायर में, आप डुओ करो फिर आपको बताता हूँ क्या ट्रिक्स चल रहा है, उसमें आपको 1000 डायमंड फ्री में मिलेगा मैडम जी। चल झूठा, जल्दी से डुओ करो, डुओ करो। क्या ट्रिक है जल्दी से बता, कैसे डायमंड मिलेगा? मैडम जी पहले आप मेरे को फ्रेंड लिस्ट में ले लो, उसके बाद आप ग्रुप को डिसबैंड कर देना ठीक है, और मेरे ग्रुप में आप आ जाना, आपको बुलाऊंगा तो, और आने के बाद ही आपको 1000 डायमंड फ्री में मिल जाएगा मैडम जी। फिर से ग्लिच चल रहा है फ्री फायर में, आपको पता नहीं क्या? नहीं।
नहीं, मुझे इस ग्लिच के बारे में तो पता नहीं लगी। अभी कुछ दिन पहले ही एक ग्लिच आया था जिसके कारण मेरे फ्रेंड्स ने अपनी सारी गने मैक्स कर ली थी। हाँ मैडम जी, वैसा ही एक ग्लिच है, ये नया ग्लिच आया मैडम जी, इसमें से आप सारा गाने मैक्स नहीं कर सकते, लेकिन 1000 डायमंड मिल जाएगा। पहले आप मेरा मैडम जी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, फिर आप ग्रुप से निकल जाओ, मतलब डिसबैंड कर दो, और मैं बुलाऊंगा तो आप आ जाना। देखना मैडम जी, आते ही आपको 1000 डायमंड फ्री में मिल जाएगा एकदम चकाचक करके। पैसा ही पैसा होगा। अगर ग्रुप में आने के बाद तुम्हारी बात झूठ निकली और मुझे एक भी डायमंड नहीं मिला तो मैं तुम्हें फ्रेंड लिस्ट से हटा दूंगी। हाँ मैडम जी, आप मेरे को एकदम धक्का मार के निकाल देना फ्रेंड लिस्ट से। पहले आप जाओ तो सही, और देखना मैडम जी 1000 डायमंड आपके ग्रुप में होगा, मतलब अकाउंट में। ठीक है, मैं आती हूँ, बुलाओ मेरे को। ओ भाई साहब, लड़की तो सच मान लिया। भाई साहब, लड़की सोच रहा है कि सच में डायमंड मिल जाएगा। रुको, आते ही हम उसको स्टार्ट कर देंगे मैच। गजब डूबीवाज आदमी। कहाँ डायमंड है? डायमंड नहीं है मेरे को, झूठ बोला तूने। रुक, अभी तेरे को मैं फ्रेंड लिस्ट से निकालती हूँ। आई एम सॉरी बाबू। अबे हरामी, तूने गेम क्यों स्टार्ट कर दिया? रुक, अभी मैं निकल जाती हूँ। अरे नहीं 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 मैडम जी, प्लीज आप निकल मत जाना। मैडम जी मेरे साथ कोई नहीं खेलता, इसलिए मैंने झूठ बोल के आपके साथ आया। अरे मैडम जी देखो कौन आया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल है। रुक, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ। मैडम जी, लाल जोकर भाई और नील जोकर भाई, क्या ही बोलूं। मैडम जी मेरे को बहुत डर लगता है इस सब बंदे से। मैडम जी आप निकल मत जाइए ना प्लीज। मैडम जी प्लीज, तेरे को बिना बताए गेम स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। मैं तेरे को अनफ्रेंड करने गई और तूने गेम स्टार्ट कर दिया। क्या करूं मैडम जी, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा 40 लेवल है, मैं नूबू, इसलिए मेरे को सब किक कर देता है मैडम जी, इसलिए मैंने बिना बताए स्टार्ट कर दिया। तो कौन सा तीर मारा? क्या, और किया तो अच्छा किया ना मैडम जी। देखो ना, लाल जोकर भाई नील जोकर भाई के साथ आपका मुलाकात भी हो गया। ए भाई साहब, ये तो हंस रहा है मैडम जी, नल्ले हंसता है मेरे मैडम जी के ऊपर। रुक, नल्ले तेरा पिछवाड़ा गरम कर देगा मेरा मैडम जी, मार मार के। इन दोनों में से एक को तो मैं मारूंगी ही मारूंगी, पक्का। उधर मत रे तू, इधर आ ना, थोड़ा इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। मैडम जी पीरो हो क्या? हेलो हेलो मैडम जी, हेलो आवाज आ रहा है क्या मैडम जी? हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है मेरे को। मैडम जी कहाँ उतारू मैडम जी? पोची नॉक पे उतारू, नहीं तो ये फ्लैग मेरे को दे दो। अरे 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 मैडम जी, गलती से हाथ लग गया, कहाँ उतारू अभी मैडम जी? चलिए ना, बड़ा वाला सामने टावर दिख रहा है, उसी में उतर जाते हैं। अरे अरे, यहाँ पे नहीं उतरना चाहिए था, जितने प्रो बंदे होते हैं वो सारे क्लॉक टावर और पीक पर ही उतरते हैं, इसीलिए मैंने बोला था पोची नॉक पर उतारने के लिए। मैडम जी मैं क्या करूँ, आप मेरे को डांट रहे हो, मेरा हाथ गिर गया तो क्या करूँ, मैं नूबू मैडम जी, मुझे उतना खेलना नहीं आता, मैं 20 दिन से खेल रहा हूँ ओनली। और दरअसल मैडम जी आप तो प्रो हो ना, तो ठीक ही हुआ मैडम जी यहीं पे उतार दिया हमने। तो क्या हुआ, मैं अकेली दो बंदों को थोड़ी ना मार पाऊंगी। बस हवा निकल गई। मैडम जी आप सब कर पाओगी, आप प्रो एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स हो मैडम जी। अरे तुम खाओ, मेरे सामने ब्लू क्रिमिनल होता है, जल्दी मेरे को कवर दो, मुझे गन नहीं मिला है। अरे मैडम जी मैं यहाँ से आपको कवर देता हूँ। अबे तू कहाँ है, देख मेरे को ब्लू क्रिमिनल ने नॉक कर दिया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अरे मैडम जी मैं तो डर के मारे, देखो ना टावर के ऊपर बैठा हूँ, मैं तो उतरूंगा ही नहीं मैडम जी, मेरे को बहुत डर लगता है, और वैसे मैं रैंक पुश कर रहा हूँ मैडम जी, मेरे को हीरोइक जाना है। मैडम जी मैं आपको बचा लूंगा बाद में, आप टेंशन मत लो। अरे तुझे जब खेलना नहीं आता तो खेलने क्यों आ गए, डरपोक की तरह ऊपर कैंपिंग कर रहा है नूबड़े साले। मैडम जी आप मेरे को गाली वाली मत दो, मेरे अंदर में कबीर सिंह का आत्मा आ जाएगा तो मैं सबको मार दूंगा, बोल दिया मैडम जी। तेरे जैसा नुबड़ा कभी भी गेम नहीं सीख पाएगा, ऐसे ही कैंपिंग करके रैंक पुश करता रह जाएगा तू। अरे मैडम जी आप मेरे को बहुत बोल दिया, अभी देखना मैडम जी मेरे अंदर कबीर सिंह का आत्मा आ जाएगा, और देखना अभी सबके पिछवाड़े में भर देंगे डंडा और कर देंगे ठंडा। कुछ ना कुछ करते रहता है भड़वा साला। रुको मैं उतरता हूँ मैडम जी, बहुत बोल लिया आपने। उतर के क्या करेगा, यहाँ से जब कूदेगा तो वैसे भी मर जाएगा तू। अरे कौन मारेगा मैडम जी हमको, मौत से डर नहीं लगता। अरे 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 अरे, अब रुक गया, 10 की हेल्थ है तेरी और चारों तरफ बंदे हैं। मैडम जी चारों ओर बंदे ही बंदे हैं तो क्या हुआ, मेरे को कोई छू भी नहीं सकता क्योंकि मैं मौत को टक से छू के वापस आ सकता हूँ, और मेरे को मरने से डर नहीं लगता मैडम जी, डर लगता है तो आप जैसे क्यूट सुंदर लड़की के धोखेबाजी से। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब मैंने कब तेरे साथ धोखेबाजी किया? मैडम जी आपको नहीं बोला, आप जैसे खूबसूरत लड़की, मैडम जी आप बहुत खूबसूरत हो ना, मैंने मन ही मन आपका तस्वीर अपने दिल में स्केच कर लिया है कि आप एकदम ऐश्वर्या राय की तरह दिखती हो, क्या ही बोलूं। कैसे पता मैं सुंदर हूँ? जैसे ही मतलब सुंदर की बात करता हूँ तो तू से तुम में आ जाते हैं, क्या ही बोलूं। अरे नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ दिखने में। मुझे पता है ना मैडम जी, मैडम जी आपका कोई BFF है क्या? सब जानना है इस बड़वे को।
क्यों तुमको क्यों जानना है मेरे बीएफ के बारे में? सामने क्रिमिनल्स का फाइट हो रहा है, कहीं दूर भागो और जाके मुझे बचाओ। मैडम जी मैं आपको बचा लूंगा जान दे के भी, आप टेंशन ना लो, नहीं तो आपका बीपी हो जाएगा हाई। मैडम जी आपका मौत का बदला लेके आता हूँ। अरे अरे उधर कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छे बंदे हैं, प्रो बंदे हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, मार देंगे तुमको। अरे अरे, अरे मैडम जी फिकर नॉट, किसी के पिछवाड़े में नहीं है दम कि कलवा के पिछवाड़े में भर देगा एटम बम। मैडम जी अभी जाके आपका मौत का बदला लेंगे हम। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, मैं डायमंड पे हूँ, मेरा एक भी माना सोच मैं प्लेटिनम पे आ जाऊंगी। अरे मैडम जी सामने बंदा है, आप डरो नहीं। मैडम जी मैं जान दे के भी आपका प्लस करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, मेरे ऊपर भरोसा रखो ना मैडम जी। मैडम जी देखो, अरे भाई साहब ब्लू जोकर भाई। मैडम ये क्या है? मैडम जी यार ये क्या साइज है तुम्हारे बॉल का? इतना छोटा बॉल लेके क्यों खेल रहे हो? मैडम जी बताता हूँ, रुको, नल्ले खोपड़ी दिखा। ए, देखो मैडम जी डैमेज है। मैडम जी इस वॉल को निकालने में मेरा 4,500 डायमंड गया है। मैडम जी क्या ही बोलूं? अरे यार झूठ मत बोलो, पीछे से निकल जाओ, कितनी बार बोला है अच्छे बंदे ये मार देंगे तुमको। मैडम जी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं फंस गया लगता है। मैडम जी क्या ही बोलूं, बचा लो मेरे को मैडम जी। मैंने पहले ही बोला था तुमको यहाँ से भाग जाने के लिए, लेकिन तुमको तो मेरी बात सुन ही नहीं है, अब तो तुम गए। मैडम जी मैं क्या करूं, जल्दी से बोलो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, एक और टीम आ गया है, उन्हें आपस में फाइट करने दो और तुम कहीं जाके मुझे रिवाइव करो। मैडम जी मैं आपको बचाऊंगा, टेंशन मत लो। अरे मैंने तुमको मना किया है ना फाइट करने से, फिर तुम क्यों बार बार जाके फाइट कर रहे हो? मैडम जी मैंने उसको सुला दिया, देखो आपका मौत का बदला ले लिया मैंने। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। अरे तुम्हारे सामने रेड क्रिमिनल है, भाग जाओ यहाँ से, पीछे और भी बहुत सारे बंदे हैं। मैडम जी मैं इसको मार के जाऊंगा, मेरे मैडम जी पे हंस रहा था, तू नल्ले रुक। अरे बाप रे मैडम जी। ओ वाओ यार तुमने रेड क्रिमिनल को मार दिया, ओ माय गॉड आई कैन नॉट बिलीव। अरे मैडम जी मैंने लाल जोकर भाई और नीला जोकर भाई दोनों को मेरे ससुराल भेज दिया बिना टिकट के। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। के क्या ही बोलूं? सच में यार आई कैन नॉट बिलीव, तुमने कैसे मारा? मैडम जी मुझे खुद पता नहीं मैंने कैसे मार दिया, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है। बंदे आ गए यहाँ पे गाड़ी लेके, तुम यहाँ से निकल जाओ जल्दी। अरे मैडम जी मैं तो फंस गया, मेरे पास गोली बारूद कुछ भी नहीं है, मैं कैसे मारूं? डाले अरे मैडम जी डाउन है। अरे तुम्हारे पास कुछ भी कैरेक्टर स्किल नहीं है, फिर भी तुम इतना फास्ट कैसे खेल रहे हो? मैडम जी ये तो रामदेव बाबा का टपाटप गोली का जलवा है मैडम जी। अच्छा अरे यार उसने नॉक वाले को रिवाइव कर दिया है, तुम यहाँ से निकल जाओ जल्दी। अरे रुको ना मैडम जी। वाह यार क्या दिमाग है तुम्हारा, कितना चालाकी से तुमने उसको डाउन कर दिया। थैंक यू मैडम जी मेरा नाम करने के लिए। नल्ले आजा, उसका उसका पार्टनर कहाँ गया मैडम जी? अरे वो नाम नहीं है तुम्हारे, अच्छा बंदा है, संभाल के थोड़ा। मैडम जी रुको, ये नल्ले, ए मैडम जी खोपड़ी उड़ा दिया उसका। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। यार तुम ऐसे कैसे इतना अच्छा खेल रहे हो? मैडम जी मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, आपने जिंदगी में पहली बार मेरा गेम प्ले का नाम किया। मैडम जी सब मेरे को बोलता है डूबरा तू पहली फुर्सत में निकल जा। अरे यार तुम तो कौन बोलता है ये सब बात, तुम कितना अच्छा खेलते हो। अरे आपको पता नहीं मैडम जी, मेरा दोस्त लोग मेरे को ग्रुप में बुलाता है और किक कर देता है, क्या ही बोलूं दुख की बात। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैडम जी मैं आपको जाके सामने शक्तिमान स्टाइल में बचाऊंगा, आप टेंशन मत लो, अभी देखना मैडम जी शक्तिमान। अरे यार तुम्हारा बोल देख के हंसी आता है, क्या ही बोल लगाया तुमने। मैडम जी मैंने आपको बचा लिया, देखो मैंने आपको वादा किया था ना कि मैं आपका जान देके भी बचाऊंगा मैडम जी। अरे हाँ यार थैंक यू, चलो ठीक है मैं भीमा शक्ति पे जा रही हूँ और तुम वहीं आ। अरे मैडम जब टेंशन क्यों ले रहे हो, आप जहाँ खुशी वहीं उतर जाओ, सोचो कि भीमा शक्ति आपका ससुराल है मैडम जी। अरे यार कुछ भी बोलते हो तुम। अरे मैडम जी बुरा लगे तो दिल से सॉरी, और अच्छा लगे तो एक लंबा वाला छुचला वाला गन खोज के देना, मेरे पास वो वाला गन नहीं है। ओके जल्दी आओ। A few moments later. अरे यार मेरे सामने बंदे हैं, तुम जल्दी आओ, तुम मेरे साथ साथ क्यों नहीं रहते हो? मैडम जी बस डुओ में ही नहीं, मैं आपके साथ जिंदगी भर तक निभाऊंगा, अपने पिछवाड़े पे गोली खा के हर एक एनिमी से आपको बचाऊंगा। अच्छा मैडम जी बस डुओ में ही नहीं, मैं आपके साथ जिंदगी भर निभाऊंगा, अपने पिछवाड़े पे गोली खा के आपको हर एक एनिमी से बचाऊंगा, और अगर पसंद ना आए शक्ल इस कलवा की तो बता देना मैडम जी, प्लास्टिक सर्जरी करके मैं आपके लिए ऋतिक रोशन बन जाऊंगा। कुछ भी। अरे यार तुम्हारे शायरी से तो मैं नॉक हो गई। अरे मैडम जी आप हंस रही हो या रो रही हो? मैडम जी आपको किसने मारा? अरे यार किसी ने पीछे से छुप के मार दिया। कहाँ है रे नल्ले?
नल्ले मेरे मैडम जी को पीछे से मारता है तू, कहाँ है तू, डर के मारे छुप गया क्या नल्ले? अरे नहीं नहीं, वो अच्छा बंदा है, घर के पीछे से छिप के मार रहा है। अच्छा कहाँ है तू मुन्ना? अरे बाप रे पीछे से मारता है तू। कैसे मारा तुमने? मैं नहीं बताऊंगा। अरे मैडम जी खुद मुझे पता नहीं कैसे मार दिया मैंने उसको, मतलब मैंने ऐसे ऊपर उठाया तो ऊपर चला गया। अरे यार उसको क्या ही हेडशॉट लगा। मैडम जी एक हेडशॉट मारने का टिप्स एंड ट्रिक्स है मेरे पास, आपको बोलूं क्या? हाँ बोलो बोलो। मैडम जी ये टॉप सीक्रेट है, किसी को मत बताना। अच्छा अगर आप मेरे को 3 बार आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलोगी ना तो आपका हर एक गोली बंदे के खोपड़ी में ही लगेगा। गजब टूबी बाज आदमी। अरे यार खुद भी बोलते हो तुम, मेरे को पागल समझे हो क्या? ऐसा तो नहीं होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है। अरे मैडम जी मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था मैडम जी, दिल पे मत लेना। देखो मैडम जी मैंने छुचला वाला लंबा गन ले लिया। अरे पागल इसका नाम ड्रैगनव है, इसको छुचला वाला गन नहीं बोलते। अरे मैडम जी मेरे को उतना गन का नाम पता नहीं है, मैं तो नया प्लेयर हूँ ना मैडम जी, इसलिए मेरे को कुछ भी पता नहीं इस फ्री फायर में। मैडम जी मैं आपको ऊपर में जाके बचाता हूँ फिर से। मैडम जी अभी आपको मैं बचा लूंगा, आप टेंशन ना लो। हाँ हाँ तुम बॉल में पैक होके मुझे बचा लो। अरे फिकर नॉट मैडम जी, हम बचा लेंगे। मैडम जी आप फिर से बच गई, वेलकम मैडम जी, पीक में आपको सुस्वागतम धोती फाड़ के रुमाल। यार तुम्हारी बातें बहुत फनी है। धन्यवाद मैडम जी धन्यवाद। कहाँ उतरूँ मैं यार, कहाँ लूट मिलेगा मेरे को? मैडम जी वो डब्बा के पीछे उतर जाइए ना, वहाँ पे देखिए आपको बेस्ट वेस्ट मिल जाएगा। मैडम जी कुछ मिला क्या? नहीं। अरे ये डब्बा नहीं ड्रॉप है पागल, ड्रॉप, इसको ड्रॉप बोलते हैं। अच्छा डब्बे के पीछे क्या है मैडम जी, डब्बे के पीछे? अरे तुम्हारे गाना सुन के बंदे आ गए, क्या ही गाना गाया तुमने? 18 साल होएगी लकरे मैडम जी, मेरे 18 साल होएगी लकरे। ए नल्ले रु ओ बता ओ बाबा मुझे शादी कर दे। मैडम जी बंदा आ गया, खोपड़ी खोल दिया मैंने। अरे यार तुम्हारा गाना इतना फनी है यार, तुम बहुत ही फनी बन रहे हो लगता है। आपके प्यार में गिर गई भाई। मैडम ऐसा ना हंसा करिए मैडम जी, कुछ कुछ होता है, क्या ही बोलू, दिल में मैडम जी आपके लिए जगह बन गया है मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा दिल मेरे में ना रहा आपके पास चला गया है मैडम जी, क्या ही बोलू। अरे यार कुछ भी बोलते हो यार, तुम दिल चला गया। मैडम जी आपका कोई BFF है क्या? नहीं नहीं नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा असली नाम मैडम जी हर लड़की के दिल में मुंह में जुबान में, बोलो जुबान केसरी, मन में हर जगह लगा रहता है। नाम तो सुना ही होगा, नाम है राहुल। तो फिर तुमने अपना ये नाम राहुल गेमिंग क्यों रखा है? अरे मैडम जी ये तो लाइक लेने का चक्कर है, थोड़ा सा गेमिंग फेमिंग नाम रखेंगे तो लोग सोचेगा कि ये प्रो बंदा है और मेरे को लाइक करके चला जाएगा, इसलिए रखे है मैडम। अरे जल्दी आओ, एसिड में मेरे पास बंदे हैं। अरे मैडम जी आप डरती क्यों हो, मेरे रहते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता। अरे एक गोली का है, जल्दी आओ ऊपर, इसको मारो मारो मारो। कहाँ है नल्ले 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 नल्ले? देखो कैसे मार रहे हो तुम। मैडम जी आज आप मेरे साथ हो ना, इसके जिसको भी मार रहा हूँ उसका खोपड़ी उड़ रहा है मैडम जी, लगता है कि आपका दिल मेरे बंदूक के नाली में आ गया है। ए भाई साहब रुको मैडम जी रुको, कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। मैडम जी धन्यवाद, लगता है कि मैडम जी आपका दिल मेरे बंदूक के नाली पे सच में आ गया है, इसलिए लग रहा है मैडम जी। अरे यार मजाक नहीं कर रही हूँ यार, सच में बोल रही हूँ, इतने कम लेवल के बंदे हो कि तुम इतना कैसे खेल रहे हो? मैडम जी ये सब मेरा दादाजी का कमाल है मैडम जी। दादाजी मतलब? मैडम जी मेरा दादाजी ने 20 दिन पहले मेरे को एक कैलकुलेटर गिफ्ट किया था, उसी कैलकुलेटर में मैं गेम खेलता हूँ फ्री फायर। मैडम जी आप हंस क्यों रही हो, मैं सच में मैं अपना दादाजी का पुराना रेडियो में खेलता हूँ। अरे बुद्धू रेडियो और कैलकुलेटर में थोड़ी फ्री फायर चलता है, तो नीचे जाकर मुझे टोकन से रिवाइव कर दो। क्यों नहीं। मैडम जी मैं कर देता हूँ रिवाइव। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। मैडम जी आप फिकर मत करो, आपको डब्बे के पीछे जाके आपको मैं बचा लूंगा। मैडम जी आप कहाँ से हो? मैं MP से हूँ, और तुम कहाँ से हो? मैं मैडम जी आपका दिल धड़कन से हूँ। क्या यार कुछ भी बोलते हो तुम। मैडम जी अपन MP आ रहे हैं आपसे मिलने, क्या बोलते हो मैडम जी, मिलोगी ना हमारे साथ? अरे जरूर यार आओ ना तुम, मिलेंगे क्यों नहीं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे मैडम जी किस्मत खुल गया मेरा। अच्छा 5 minutes later
मैडम जी एक बात पूछूं क्या आपको? सब जानना है इस बड़वे को। हाँ पूछो। मैडम जी आपका पापा मतलब आपका पिताजी राजा महाराजा है क्या? नहीं क्यों? मतलब आपका नाम राजकुमारी है इसलिए पूछ लिया। अरे नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसे ही में रख दिया, मेरा असली नाम सपना है। और मैं मैडम जी आपका सपनों का राजकुमार। अरे यार तुम बातें बनाने में एक्सपर्ट हो। मैडम जी सामने बंदा, जल्दी से आओ मेरे पास, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैडम जी मैं मरना नहीं चाहता, आपके साथ मैं जीना चाहता हूँ। अरे मेरे पास भी बंदे हैं, तुम थोड़ा कवर में रहो, कवर में। मैडम जी मैं कवर में ही हूँ नल्ले। ए मैडम जी डाउन है, जल्दी आओ जल्दी आओ। लेफ्ट साइड में भी एक बंदा है, लेफ्ट साइड में। कहाँ है मैडम जी नल्ले? तू कहाँ छुप छुप के मेरे मैडम जी के बार करता है? दम है तो इधर से मार। अरे मैडम जी मार रहा है मेरे को, जल्दी आओ जल्दी आओ। रुको मैं मारती हूँ, मेरे डैमेज है, रुको रुको। अरे मैडम जी आप मारो उसका, मार मार के उसका पिछवाड़ा लाल कर दो मैडम जी। मैं इधर से उसको घेरता हूँ, आप उधर से उसको घेरो। नल्ले रुक, मेरा मैडम जी अभी तेरा पिछवाड़े में भर देगा डंडा और कर देगा ठंडा। भाग रहे मारो उसको, मारो। भाग के कहाँ जाएगा मैडम जी? भाग के मैं जाने नहीं दूंगा। तुम लोग क्या औकात है क्या रे? रुक नल्ले किधर है मैडम जी? अरे तुम्हारे सामने देखो पेड़ के पीछे बंदा है, तुमको पड़ी, तुम कवर में रहो। मैडम जी इस नल्ले ने मेरे को क्या ही मारा, मेरा पिछवाड़ा गरम कर दिया। मैडम जी उसने कलुआ से लिया पंगा, अब होगा उसका बुरा हाल। मैडम जी उसने लिया कलुआ से पंगा, अब होगा उसका बुरा हाल। ये ले नल्ले रामदेव बाबा का टपाटप गोली और निकल पहली फुर्सत में ससुराल। अरे मैंने उसको मार दिया। मैडम जी उसको आपने ससुराल भेज दिया क्या? मैं भी उसको मतलब ग्रेनाइट से वन टैप मार रहा था। ग्रेनाइट से वन टैप? यार कुछ भी बोलते हो यार तुम। मैडम जी क्या ही बोलूं। चलिए मैडम जी इधर से निकल जाते हैं हम लोग किसी दूर किनारों में। A few moments later. अरे सामने फाइट चल रही है, देखो कितनी सारी बॉल लगी हुई है। लगता है मैडम जी यहाँ पे महायुद्ध हो गया, क्या ही बोलूं। कहाँ है बंदे? सब डर के मारे छुप गया क्या मेरा मैडम जी का? मैडम जी बंदा भाग रहा है इधर से। मैडम जी उसका खोपड़ी उड़ा दिया हमने। अरे तुम्हारे लेफ्ट साइड में देखो ब्रिज के ऊपर बंदा है, लेफ्ट साइड में। कहाँ है मैडम जी? ओ भाई साहब तू यहाँ पे छुप के बैठा है नल्ले, खोपड़ी दिखा एक बार। अरे भाई साहब संभल के यार, संभल के पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। मैडम जी हम पीछे नहीं जाएंगे, इसको मार के ही आएंगे। अरे मैंने तुमको कहा ना पीछे आने के लिए, पीछे आओ। मैडम जी इतना प्यार से हमसे बात ना करे मैडम जी, नहीं तो मेरे को गहरा वाला प्यार मोहब्बत इसको हो जाएगा। दिल का दरिया बह ही गया। नहीं कुछ नहीं होगा। अरे मैडम जी ऐसे ना बोले मैडम जी, आपका नंबर मिलेगा क्या? रोज सुबह को मैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग भेजूंगा और साथ में चाय बिस्किट का फोटो भी। औकात में रहो। अरे यार मेरे को मार रहा है, मैं नौ को भी, मेरे को बचा लो। मैडम जी रुको इसको मार के मैं आता हूँ। अरे नहीं 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 पहले आके मेरे को बचा लो, वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, करने दो। अरे मैडम जी फिकर नॉट, टेंशन नॉट, कलवा इज हियर, डोंट फियर मैडम जी, आपको अभी हम बचाएंगे मैडम जी, टेंशन नॉट। बॉल लगाओ यार, क्या ही बॉल है तुम्हारा, मैं क्या ही बोलूं। अरे मैडम जी मैं क्या करूं, सबका बड़ा बड़ा, मेरा ही सिर्फ छोटा है। अरे यार क्या ही बोलते हो तुम। अरे मैडम जी क्या करूं, मेरा ही सिर्फ बॉल छोटा है तो मैं क्या करूं मैडम जी। अरे सामने दृश्य वाले बंदा है देख के। मैडम जी मेरा इसने हेल्थ कम कर दिया है, मेरे पास वो आत्मनिर्भर किट भी नहीं है मैडम जी, आपके पास है क्या? अरे आत्मनिर्भर किट मतलब कैसी है तुमको? मैडम जी जिसको खाने से लाइफ फुल हो जाता है ना, हेल्थ फुल हो जाता है वो चाहिए। अच्छा मेड किसकी बात कर रहे हो क्या? ये लो मैं देती हूँ, देती हूँ। जल्दी से मैडम जी दे दो मेरे को आत्मनिर्भर किट। मैडम जी इसको मेडिकिट कहते हैं क्या? मेरे को तो उतना पता नहीं क्योंकि मैं नया प्लेयर हूँ। अरे भाई साहब मैडम जी आपका वॉल तो मेरे से भी बड़ा है, समझ रहे हो? ये प्री ऑर्डर को बोल रहे हैं, सामने बंदा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैडम जी रुको जरा सबर करो, आपका बाहुबली आ रहा है मैडम जी। कहाँ है नल्ले? भागता है तू उधर से। अरे संभाल के अच्छा बंदा है वो। तो मैं बुरा हूँ क्या? देखो मैडम जी उड़ा दिया उसको। अरे यार हम लोग का बुरा हो गया यार। मैडम जी इस खुशी में नाचो ना, आई एम ए डिस्को डांसर। मैडम जी मेरे को ग्रुप में बुलाना जरूर, भाग मत जाना मैडम जी, प्लीज प्लीज। बड़वा प्लीज। ठीक है मैं बुला रही हूँ। तो गाइस आज का प्रैंक क्या ही था गाइस, लिटरली मुझे खुद हंस हंस के मैं खुद पागल हो रहा हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देने मेरे भाई, क्योंकि तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करता रहता हूँ तुम लोगों का हंसाने के लिए। तो यार प्लीज अगर आप लोगों का दिल करे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। तो चलो गाइस अभी लड़की को बुलाएंगे और देखेंगे कि बंदी का रिएक्शन क्या रहता है जब वो देखेगी मेरे पास हिप हॉप है। तो ओ भाई साहब लड़की खुद रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था, चलो गाइस उसके ग्रुप में।
धन्यवाद मैडम जी, शुक्रिया आपको मेरे को बुलाने के लिए। मैंने सोचा आप भाग जाओगी शायद। अरे नहीं नहीं, भागूंगी क्यों, बाय द वे सॉरी यार। क्यों मैडम जी, सॉरी क्यों बोल रही हो? एक्चुअली मैंने तुमको गेम के स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा भला बोल दिया था ना, और गाली वाली दे दी थी ना, तो थोड़ा मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सह लेंगे थोड़ा सा। अरे मैडम जी धन्यवाद, सभी मेरे को गाली वाली दे के ग्रुप से निकाल देता है मैडम जी, क्या ही बोलूं। इसलिए तो मैं वॉल चैट में रैंडम में जाके खेलता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मैं नूबड़ा हूँ ना मैडम जी इसलिए। कौन मिला तुमको नूबड़ा, कितना अच्छा खेलते हो तुम, पता है तुमको? देखो ना, अगर अभी मैं आपको बोलूं कि मैडम जी मेरे को अपना फ्रेंड लिस्ट में ले लो, तो आप बोलोगे कि तुम्हारा तो इतना कम लेवल है, तुम्हारे पास कुछ भी कैरेक्टर फैरेक्टर नहीं है, ना ही गन का स्किन है मैडम जी। आप बोल के मेरे को आप भी नहीं लोगे, मुझे पता है। कौन मिला, मैं तुम्हारे फ्रेंड नहीं लूंगी, तुम जस्ट सेंड करो, मैं अभी ले लेती हूँ। मैडम जी धन्यवाद, शुक्रिया मैडम जी, क्या ही बोलूं, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है मैडम जी, आपका जैसा कोई नहीं हो सकता। गजब डूबीवाज आदमी। मैडम जी आपको एक जादू दिखाऊं क्या? आप बोलो तो मैं एक जादू दिखाऊं आपको। कौन सा जादू? मैडम जी रुको रुको, आपको एक जादू दिखाता हूँ, रुको जरा सफर करो। हाँ मैडम जी, ये मेरा बड़ा भाई है, मैं कलुआ और इसका नाम है ठलुआ। मैडम जी हाँ सही में। अरे ये कौन है, आप लोग का नाम बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। मैडम जी हम दोनों मेला में खो गए थे ना, फिर वापस मिल गया दोनों। अरे यार मजाक मत करो ना, बोलो ना कौन है। मैं नहीं बताऊंगा। दरअसल मैडम जी मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, ये मेरा ही आईडी है और मैं आपके साथ नूब प्रैंक कर रहा था। नूब प्रैंक मतलब, मैं समझी नहीं। दरअसल मैडम जी मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मैं मतलब रैंडम पे हो चाहे वॉल चैट पे हो मैं, या फिर अलग अलग सर्वर में जाके मैं ऐसे ही रैंडम नूब प्रैंक करता रहता हूँ मैडम जी हर जगह पे। ओह माय गॉड, तो आप 40 लेवल का आईडी में क्यों खेल रहे थे? ताकि मैडम जी मेरे को प्रैंक करने में मतलब सुविधा हो ना, मतलब सभी समझेगा कि मैं नूबी हूँ, मेरे पास कोई गन का स्किन नहीं है, इतना कम लेवल है, तो मतलब मैडम जी को थोड़ा सा गाली वाली भी देता है, इसलिए आप भी देखिए ना, अगर मैं मतलब हिप हॉप वाला आईडी लेके चला जाता तो थोड़ी ना आप मेरे को गाली दे देते। अरे यार मैं तो तुमको पहले ही सॉरी बोल दिया गाली के लिए। नहीं नहीं मैं गाली देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं हिप हॉप लेके घुस जाता तो आप थोड़ी ना मेरे को गाली वाली देते, यही बोल रहा था मैं। तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल का नाम मैडम जी यही है, राहुल गेमिंग। में तो ऐसे ही मतलब मजाक के लिए बोला कि लाइक लेने के चक्कर है ये, तो इस लाइक वाइक मिल जाएगा ज्यादा, इसलिए मैंने ऐसे राहुल गेमिंग फेमिंग नाम रखा है। तो तुम्हारे चैनल का नाम ही राहुल गेमिंग है क्या? हाँ मैडम जी मेरा चैनल का नाम ही राहुल गेमिंग है। ओके मैं सब्सक्राइब कर दूंगी रोहन सर। अरे मैडम जी धन्यवाद मैडम जी बहुत बहुत, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मैडम जी ये वाला वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, तो आपका अगर परमिशन हो तो क्या मैं छोड़ सकता हूँ? अच्छा रिकॉर्डिंग भी चल रहा था क्या? हाँ मैडम जी, जब भी मैं खेलता हूँ रैंडम हो या फिर अलग सर्वर में, हर वक्त मेरा रिकॉर्डिंग ऑन ही रहता है। ओह माय गॉड। और मैडम जी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आप आओगी? यार वो गाली वाला सीन थोड़ा कट कर देना यार। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, कोई बात नहीं, ठीक है मैडम जी फिर मिलते हैं तब। अरे तुमने तो रिक्वेस्ट ही सेंड नहीं किया। अच्छा मैडम जी मैं मेन वाला से ही आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ। थैंक यू भाई, लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। ठीक है मैडम जी, आते हैं तब, फिर मिलेंगे कभी।